नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर एक साल से ज़्यादा वक्त से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। मोर्चा ने कहा है कि 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं से आंदोलनकारी किसान हट जाएंगे। दरअसल कृषि कानूनों और दूसरे मांगों को लेकर आंदोलनरत कर रहे संगठनों को सरकार की ओर से बाकी बची मांगों को लेकर आश्वासन पत्र मिला है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार पहले ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को मिली चिट्ठी के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी और पुलिस केस वापस लेने का आश्वासन दिया है। सरकार से मिले लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इस बारे में 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक होगी। इसमें सरकार के वायदे कितने अमल पर आए और इस पर विचार होगा। अगर वायदे पूरे नहीं दिखाई देते तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा, ऐसे किसान मोर्चा ने घोषणा की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप हमें क्या कमेंट्स देना चाहेंगे, हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।